नमस्कार दोस्तों, के ट्रेड के एक और फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों नाम आप लोग ऊपर पढ़ पा रहे हो, टाटा मोटर्स लिमिटेड। जी दोस्तों, टाटा मोटर्स लिमिटेड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आ रही है। और जानना ये है हमें चार्ट पर चल के क्या ये बड़ा पैसा बनाने वाला है। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर तो चलेंगे और देखेंगे ही, और साथ ही साथ आप अपना व्यू भी शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि क्या ये बड़ा पैसा बनाने के मूड में है। क्या कुछ ऐसे यहाँ पर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जिसके बेसिस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पैसा बनाने के मूड में दिख रहा है टाटा मोटर्स। तो जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स के ऊपर ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है और ये टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड होगा, तो आप लोग यहाँ पर फंडामेंटल डिटेल से बोर नहीं होने वाले। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वॉचिंग के ट्रेड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। यहाँ पर दोस्तों टाटा मोटर्स का डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है, और जैसा कि आप पहले ही देख पा रहे हो, मैंने दो तीन लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा कर रखी है। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं एक इंडिकेटर भी प्लॉट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इंडिकेटर्स यहाँ पर प्लॉट कर देने चाहिए ताकि थोड़ा बहुत यहाँ पर और ज्यादा कंफर्मेशन बने। तो यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेजेस, जो मेरे फेवरेट मूविंग एवरेजेस है, वो तीनों मैंने प्लॉट करके, हालांकि आपको कलर से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट खोल देता हूँ। यहाँ पर जो येलो कलर की लाइन है वो 200 डेज का है, जो लाइट ब्लू है वो 100 डेज की है, एंड जो डीप ब्लू है वो 50 डेज की है। तो ये तीनों मूविंग एवरेजेस आपको ध्यान में रखनी है। और अब बात करें बेसिकली यहाँ पर, तो ये एक ब्रेकआउट का कंडीशन मैं आपको यहाँ पर बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ। और ये ब्रेकआउट है दोस्तों 462 से लेकर 465 70 के आसपास का ब्रेकआउट है, क्योंकि ब्रेकआउट कोई एक पॉइंट नहीं होता बल्कि एक जोन होता है ब्रेकआउट का। तो यहाँ पर चूंकि डेली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, यहाँ पर जोन ₹10 के आसपास का बन रहा है, तो 460 से ₹470 के आसपास का जोन है। अगर दोस्तों ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत बड़े मूवमेंट यहाँ पर मिलने वाले हैं। और मैं सबसे मिनिमम मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पर 430 से ₹440 के आसपास का मूवमेंट तो आपको, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 530 से ₹540 के आसपास का मूवमेंट तो आपको मिलेगा ही फर्स्ट टारगेट के तौर पर। तो ये दोस्तों मेरा कन्विक्शन है कि यहाँ पर अगर 470 मान लेते हैं हायर रेंज, 470 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर 427 से ₹432 के आसपास का यहाँ पर टारगेट आपको मिलने वाला है, ₹527-532 के आसपास। अब दोस्तों बात करिए ऐसा क्यों हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर रीजंस तो पता ही होंगे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पर तीन पॉइंट्स मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा, इन तीनों बेसिस पर ही मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एक तो ये वाला, सेकेंड वन इज एंड द लास्ट वन ये वाला। तो ये तीनों पॉइंट्स आप देख सकते हो दोस्तों, एक ही जोन पर अगर टाटा मोटर्स ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, और ये रेंज है करीबन 375 के आसपास का रेंज आप इसको कह सकते हो, 375 के रेंज में आके ये यहाँ पर सपोर्ट लेता रहा है। और बात कर ली इसके रेजिस्टेंस जोन की, तो वो फिलहाल अभी अपने रेजिस्टेंस जोन पर ही खड़ा है, 462 से ₹70 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन है, और अभी ये फिलहाल ₹454 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा सीनरी दोस्तों टाटा मोटर्स में यहाँ पर हाथ लगाए। हालांकि मैं कुछ दिनों से यहाँ पर मार्केट से बाहर था, तो मैंने यहाँ पर लोअर साइड पर इस सबको नहीं देखा, अन्यथा यहाँ पर लोअर साइड पर ही पकड़ने में ज्यादा मजा आता। लेकिन कोई गल नहीं, अभी भी काफी टाइम हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ पर 460 से 70 का रेंज अभी भी हमारे हाथ में, और अगर ये ब्रेकआउट करता है 470 को, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर 527 से ₹530 के आसपास के टारगेट तो मिलने ही चाहिए। अब बात कर ले दोस्तों मूविंग एवरेजेस की, क्योंकि मूविंग एवरेजेस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किन्हीं के लिए करते हैं किन्हीं के लिए नहीं करते, मेरे लिए ये करते भी है नहीं भी करते हैं, सारे मिक्स है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मूविंग एवरेजेस यहाँ पर बहुत टाइम से फ्लैट है इस वाले जोन में, ये जो तीनों बिंदु है मैंने लगा रखी है, इन तीनों जोन में देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहे थे। इसका साफ सीधा इंडिकेशन ये है कि स्टॉक जो है, जो हमारा चार्ट है, वो यहाँ पर एक रेंज बाउंड सिचुएशन में फंसा हुआ था। और अगर आप देखें भी तो बहुत ज्यादा कुछ उछल कूद जो है वो टाटा मोटर्स नहीं कर पा रहा था, एक ही रेंज में 375 से ₹460 के आसपास, ₹462 के रेंज में ये घूम फिर रहा था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर निकल गया ये 470 का रेंज, और अगर ये निकल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर निकल जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ये तो अगर निकल जाता है तभी पता चलेगा, अन्यथा यहाँ पर नहीं निकलता तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं निकलेगा नहीं लेंगे, निकल जाएगा 470 तभी हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग बैठे यहाँ पर होशियार ट्रेडर, माफ कीजिएगा होशियार ट्रेडर तो हूँ नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर 470 का रेंज काफी सही है। और ये सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो फिलहाल अभी तो साइडवेज के सिचुएशन में, लेकिन अगर ये ₹470 को ब्रीच करता है, तो जो आपको ये डीप कलर की लाइन दिख रही है, यानी कि जो 50 डे की मूविंग एवरेज आपको दिख रही है, वो डेफिनेटली यहाँ पर 100 को जो है वो क्रॉस करने वाली है। और अगर आप जानते हो तो आपको ये पता होगा कि 50 और 100 डेज का जो मूविंग एवरेज जब क्रॉस और बिलो होता है, तो शायद इसको गोल्डन क्रॉस या डेड क्रॉस ऐसे समथिंग कुछ कहते हैं, मुझे तो कुछ खास आइडिया नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर 100 डे की मूविंग एवरेज को 50 डे जो है वो क्रॉस कर देने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि ये अच्छे खासे टारगेट अचीव करके देते हैं। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर
टाटा मोटर्स का चार्ट आपको समझ में आया होगा, बस ये कुछ लाइनें ही हमारे काम की थी, ये सारे मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा काम के नहीं थे। तो होपफुली यहाँ पर चार्ट आपको समझ में आएगा। एक बार मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इजीली अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो या कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन थी टाटा मोटर्स की। मैं आपको फिर से यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप अपनी भी रिसर्च और एनालिसिस पक्की कर लें और उसके बाद ही अपना अपना पैसा इसमें लगाएं, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों, तो डेफिनेटली रिस्क भी आपकी होगी और उससे रिलेटेड जो जिम्मेदारी निकल के आती है वो भी दोस्तों आप पर ही होगी। तो होपफुली सोच समझ के आप पैसा लगाएंगे और अपनी टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पर पक्की कर लेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों विदा चाहूंगा, मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।